सोचता हूँ कि बिल्कुल ही कोई सिंगर नहीं हो तो भी आज कौन सिंगर है कौन नॉन सिंगर है पता नहीं चलता है क्योंकि आज सलमान खान भी गा लेते हैं अक्षय कुमार भी गा लेते हैं आलिया भट्ट भी गा लेते हैं ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो ख़राब सिंगर हैं पर रियाज से नहीं ऑटो ट्यून टेक्नोलॉजी से बहुत काम हो जाता है है ना अरिजीत सिंह कहते हैं कि काफ़ी सारे अच्छे सिंगर्स नाराज भी रहते हैं इस बात के लिए क्योंकि एवरेज सिंगर भी गाना गा करके वहाँ पर आ जाते हैं और आपका वैसे कहते तो टेक्नोलॉजी का यूज तो होना चाहिए पर ऑटो ट्यून को लेकर के कोई मैं चाहता था कि मैं आपसे समझूं आप इसको कैसे देखते हो और क्योंकि अभी तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आपने गिटार लेके गाया बहुत सुंदर गाया है ना बिना अब अब अगर ऑटो ट्यून होता <laughs> या नहीं होता मैं उस पर थोड़ा आपका टेक समझना चाहता हूँ मतलब ये कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा था आपने बोला कि आ, सिंगर की जो लाइफ होती है वो दो पाँच साल टाइप होती है सर यही डिफरेंस है सिर्फ विद ऑटो ट्यून एंड विदाउट ऑटो ट्यून जो लोग गा सकते हैं जो कहीं भी खड़े होकर के विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स भी बस सीधा माइक उठा के शुरू हो सकते हैं उनका डेफिनेटली एक तैयारी भी ज़्यादा है और एक लॉन्गर करियर सस्टेन करने का मॉडल है वो कि आप यू आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर योर टास्क बट फिर जो टेक्नोलॉजी uh, के थ्रू सिंगर्स होते हैं वो फिर वन हिट वंडर वाला सेटअप होता है दो तो चार साल फुल ब्लास्ट हुआ फिर उसके बाद चेंज ऑफ करियर सो दैट इज़ माई कम्प्लीट अप्रोच टू इट बट डेफिनेटली ऑटो ट्यून एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने म्यूज़िक को बहुत आम कर दिया है संगीत को बहुत आम कर दिया है और मैं इसको बुरा नहीं मानता मुझे लगता है कि एक ऐसा टाइम भी था जब सबको ऐसा लगता था कि सलमान खान साहब जब स्क्रीन पे डांस कर रहे हैं तो उसी वक्त वो गाना भी गा रहे हैं जबकि वो अभिजीत किया किसी और दूसरे सिंगर की आवाज़ होती थी तो ये पता ही नहीं था लोगों की प्लेबैक सिंगिंग होती क्या है बट आई थिंक नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स अभी सब जानते हैं सिंगिंग कैसे होती है स्टूडियो क्या होता है सिंगर्स कैसे होते हैं टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं है बट या आई थिंक अगर लाइफ में लॉन्गर इनिंग्स खेलनी है so without अच्छा जो तो नाइटिंग ऑफ इंडिया है लता मंगेशकर उन्होंने जिंदगी भर आइसक्रीम नहीं खाई क्योंकि उन्होंने सुर के लिए कहती मैंने स्वाद छोड़ दिया है निक्सटीन टाइम ग्रामी अवार्ड एक बिना रहे उन्होंने पिज्ज़ा खाना छोड़ दिया था कि मैं अच्छा गा सकूँ हमेशा के लिए कुछ जुबिन के साथ कभी ऐसा हुआ है कि यार मेरे को ये सेक्रीफाइस करना पड़ा मेरे गाने के लिए ये चीज़ छोड़नी पड़ी मेरे गाने के लिए नहीं भाई ऐसा तो कभी कुछ नहीं मैं तो मीठा ठंडा पानी भी पीता हूँ मिर्ची भी खाता हूँ मेरा सिंपल बिलीफ है कि आपका 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 अगर रियाज कड़क है और भगवान की बनाई चीज तो कुछ भी ख़राब नहीं हो सकती हो तो तभी तो तो ख़राब होती है जब भगवान चाहता है उसको ख़राब करना मेरा नहीं विश्वास है इसमें किस में हाँ ये है कि अगर आप हमेशा सादा पानी पीते हो एक दिन ठंडा पी लोगे तो गला ख़राब किसी का भी हो जाएगा सो आई एम यूज़ टू ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर आई एम यूज टू चिली ऑल्सो इट डजेंट मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एज अ पर्सन बहुत ही सुंदर बहुत ही अमेजिंग हो जितना आपसे मिला जितनी देर आपसे बात करी जो आपकी सिंपलिसिटी है वो दिखाई पड़ती है लता मंगेशकर जी का गाना है कि मेरी आवाज़ ही पहचान है घर याद रहे बात तो सही है कि सिंगर्स की असली पहचान उनकी आवाज़ होती है और इस पहचान को बनाने में आप कामयाब रहें पहाड़ों से हैं पहाड़ की तरह खड़े रहें आप और उसी तरह पहाड़ की तरह खड़े रहें ऐसे ही हिट पे हिट देते रहिए हमारी यही कामना है और हमारी बहुत दिल से है ये कामना मतलब बहुत दिल से आपको पसंद किया बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छा लगा इस मंच पर आने के लिए इस मंच की गरिमा को बढ़ाने के लिए थैंक यू थैंक यू टेक्स वन टू नो वन आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद